अरे ये क्या, मेरी पिक्चर इतनी अच्छी क्यों नहीं आ रही है जबकि मैंने अच्छा महंगा कैमरा महंगा लेंस यूज़ किया है। पिक्चर उतनी शार्प नहीं नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा ब्लर सा लग रहा है मुझे। और यहाँ मैं इमेज को देख पा रहा हूँ तो उसकी जो टोटल टोनैलिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, कलर्स परफेक्ट नहीं आ रहे हैं और जो इमेज में क्वालिटी आनी चाहिए वो मिसिंग है। फिनिश भी जो है उतना अच्छा नहीं ओवरऑल इमेज का, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कमेंट्स में ये सारी बातें लिखते हैं, चाहे मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊं कि सर मैं अच्छा लेंस यूज़ करता हूं, मैं एक अच्छा कैमरा भी यूज़ करता हूं, उसके बावजूद मेरी पिक्चर्स के अंदर कई बार लाइटिंग का इशू है, कई बार फोकसिंग का इशू है, कई बार जो इमेज ब्लर आ रही है उतनी शार्प नहीं आ रही है, कई बार जो है उसकी जो टोन है या स्किन टोन है मॉडल का वो परफेक्शन के साथ में नहीं आ रहा है, कलर जो है वो बहुत ही अननेचुरल दिखाई देते हैं, ओवरऑल अच्छा कैमरा अच्छा लेंस इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई फोटोग्राफी। 5 रीजन्स वाई योर कैमरा इज़ नॉट क्लिकिंग गुड फोटोज़। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फोटोग्राफी में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कैमरा और लेंस तो लोग बहुत सारा पैसा डाल के ख़रीद लेते हैं और जब उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और जब उनके फ़ोटोज़ अप टू द मार्क नहीं होते तो उन्हें लगता है कि उनका जो कैमरा है या तो उसमें प्रॉब्लम है या वो कैमरा उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जिस सोच के साथ उन्होंने उस कैमरा को ख़रीदा था। अब यहाँ पर देखो, मैं दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगा, देखिए कैमराज जो हैं वो कोई भी ख़राब नहीं होते, कैमरा अपने आप में कोई जादूगरी नहीं करता, कैमरा सिर्फ वही करता है जो सेटिंग्स आप कैमरा के अंदर लगाते हैं, यानी कि अपने कैमरास को जो आप कमांड देंगे उसी हिसाब से कैमरा अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आपका कैमरा अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पा रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है अपने एक्सपोजर ट्रायंगल को। अब एक्सपोजर ट्रायंगल बहुत लोगों को नहीं पता होता तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, एक्सपोजर ट्रायंगल का मतलब है आपका ISO, आपकी शटर स्पीड, आपका अपर्चर। अब ISO से मतलब है कि भैया लाइट की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए जो भी फ़ोटोज़ आप शूट कर रहे हैं वहाँ पर, या फिर आपका जो शटर स्पीड है वो किस तरह से जो है एक्शन को कंट्रोल करता है वो आपको पता होना चाहिए, या फिर अपर्चर जो है किस तरह से डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है आपको पता होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें बहुत सारे फोटोग्राफर्स को नहीं पता होती, हालांकि ये बहुत ही बेसिक्स होती हैं, ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ें हैं जो हर फोटोग्राफर को पता होनी चाहिए, बट इसको इस एक्सपोजर ट्रायंगल को किस तरह से कंबाइंड करके अच्छी पिक्चर्स ली जाती है वो एक आर्ट होता है। यानी कि आप जो भी फोटो ले रहे हैं वहाँ पर सही ISO का होना बहुत ज़रूरी है, सही शटर स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है और सही अपर्चर का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी पिक्चर है एक परफेक्शन के साथ में निकल के आती है। अब ISO, शटर स्पीड और अपर्चर को किस तरह से आप अपनी फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया है 3 बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, आप उस पूरे वीडियो को देखिए, आपको हर चीज़ मैंने डेमो करके समझाई है, वहाँ पे आपका वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको एक 15-20 मिनट का टाइम देना है, लिंक मैंने लगा दिया उस वीडियो का, पूरा देखिए, आई एम श्योर वो आपके सारे बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर देगा। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, क्यों आपका कैमरा जो है अच्छी फ़ोटोज़ या अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है दोस्तों, बहुत सारे फोटोग्राफर्स को नहीं पता होता फ़ोटो खींचते वक्त कौन सा मीटरिंग मोड हमें यूज़ करना है, यानी कि किस सीन के अंदर हमको स्पॉट मीटरिंग यूज़ करना है, किस सीन में हमें सेंट्रो वेटेड मीटरिंग यूज़ करनी है, किस सीन में हमें जो है मैट्रिक्स मीटरिंग जो है उसे यूज़ करना है, क्योंकि हर सीन जो है हर जो भी आप शॉट ले रहे हैं उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, उसको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, तो हर शॉट के हिसाब से आपको अपना मीटरिंग मोड जो है उसे सेट करना पड़ता है। अब ये मीटरिंग मोड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ आप जाके देखिएगा, आपको मैंने डिटेल में डेमो के साथ में सब कुछ समझाया है, आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे कारणों को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो आप कितना भी महंगा कितना भी एक्सपेंसिव कैमरा यूज़ कर लीजिए, आपके फ़ोटोज़ कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपके फ़ोटोज़ कैमरा ठीक से नहीं कैप्चर कर पा रहा है, वो है दोस्तों आपकी फोकस सेटिंग्स। तो हमेशा आप अपनी फोकस सेटिंग्स को चेक कीजिए। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स को नहीं पता होता कि भाई फोकस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैनुअल फोकस, बहुत सारे लोग आजकल मैनुअल फोकस यूज़ ही नहीं करते क्योंकि कैमरा ऑटो फोकस आपको दे रहा है, लेंस भी आपको ऑटो फोकस वाले हैं, तो कई लोग तो यूज़ ही नहीं करते मैनुअल फोकस, जबकि वो बहुत ही एक अच्छा फोकसिंग सिस्टम है। मैनुअल फोकस से मतलब है कि जहाँ आपको फोकस करना है वहीं पर ही कैमरा फोकस करेगा, बट बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस में लाते ही नहीं है। उसके अलावा ऑटो फोकस की बात करें तो ऑटो फोकस में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं,
जैसे कि आप सिंगल फोकस पॉइंट पे शूट कर रहे हैं या आपने फोकस पॉइंट ज़्यादा चुने हैं 9, 11, 21, 51 वगैरह वगैरह, कंटिन्यूस फोकस पे आप शूट कर रहे हैं या नहीं, वो भी कई लोगों को नहीं पता होता कि भाई कौन से सीन के अंदर कंटिन्यूस फोकस को यूज़ करना है, कौन से स्टेशनरी सीन के अंदर हमको किस तरह के फोकस पॉइंट्स को यूज़ करना है, कैसे स्टेशनरी सब्जेक्ट को किस तरह से फोकस करना है, ये भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स को नहीं पता होता। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देखिए जहाँ मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, चाहे आपके फोकस पॉइंट्स हों या आपका एक्सपोजर ट्रायंगल हो या आपके मीटरिंग मोड्स हों, ये सब मिला के जो है आपकी एक अच्छी फोटोग्राफ को निकालने में मदद करते हैं। तो हमेशा आप छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए। वो एक बार आपकी क्लैरिटी के साथ सब चीज़ क्लियर हो गई तो डेफिनेटली आपकी जो पिक्चर्स हैं, इवन अगर आप एंट्री लेवल कैमरा भी यूज़ करें तो आप पिक्चर्स बहुत अच्छी निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं आज के चौथे यानी कि फोर्थ रीज़न की। अब यहाँ पर कई बार बहुत सारे फोटोग्राफर्स को नहीं पता होता कि सही वाइड बैलेंस को कैसे सेट करते हैं या फिर कलर टेम्परेचर को किस तरह से यूज़ किया जाता है सही पिक्चर्स की टोन्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो मॉडल का स्किन टोन हो या पूरे सीन की जो है टोनैलिटी हो, उसको किस तरह से एक सही वाइट बैलेंस या सही कलर टेम्परेचर के साथ में हम अचीव कर सकते हैं। तो ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, ज़्यादातर फोटोग्राफर्स ऑटो वाइट बैलेंस पे ही शूट करते जाते हैं और सोचते हैं कि भाई इसमें कर लिया तो अपने आप ही जो है कलर्स मुझे अच्छे मिलेंगे, पूरा सीन जो है वो बहुत खूबसूरती से निकल के आ गया। तो दोस्तों ये सच नहीं है, कई बार वो ठीक से काम करता है बट कई बार वो ठीक से काम नहीं करता। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है कि वाइट बैलेंस क्या होता है, कलर टेम्परेचर किस तरह से वर्क करता है फोटोग्राफी में। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को भी देखिए जहाँ मैंने कुछ फोटोज़ जो हैं वो क्लिक करके दिखाए हैं कलर डिफरेंट कलर टेम्परेचर के साथ में। और एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें हाउ टू करेक्ट वाइट बैलेंस, वो पूरा वीडियो भी मैंने समझाया है डेमो के साथ में। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देखिए, क्योंकि ये जो सारे कारण है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो वीडियो मैंने आज बनाए इसलिए क्योंकि नो मैटर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसके नीचे हमेशा इस तरह के कमेंट आते हैं कि सर मेरा जो कैमरा है या मेरी जो फ़ोटोज़ हैं वो ठीक से नहीं आ रही हैं, अच्छा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे लेंसेज यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वो सारे प्रॉब्लम्स को एक ही वीडियो में डालूँ ताकि बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तो वो सारे वीडियोज़ आप देखिए और आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपकी जो भी गलत फहमी है फोटोग्राफी को लेकर वो क्लियर हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कैमरा की बेसिक सेटिंग्स। अब बेसिक सेटिंग से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि आपको कैमरा जब फोटो लेने से पहले जो भी आप शूट शुरू कर रहे हैं उसमें आपको कैमरा की सेटिंग्स को कैसे लगाना है, जैसे कि आप इमेज क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं, आप रॉ पे शूट करना चाह रहे हैं या जेपेग पे या टिफ पे, वो आपको डिसाइड करना है। ज़्यादातर मैं तो बोलता हूँ रॉ पे ही शूट करिए, या फिर आपका कलर स्पेस सेटिंग क्या होना चाहिए, या आपका जो पिक्चर प्रोफाइल है पिक्चर क्वालिटी है वो आपको किस कौन से मोड पे सेट करना है, या आपको अलग अलग तरीके आपको कौन सा ड्राइव मोड यूज़ करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके बेसिक कैमरा सेटिंग्स ठीक होंगे तो बाकी के जो मैंने सेटिंग्स बताए वो अपने आप ही अच्छे से काम करेंगे और आप अपने कैमरा से, चाहे आपने कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, उससे आप बहुत अच्छी पिक्चर्स को अचीव कर पाएंगे। अब बेसिक कैमरा सेटिंग्स के ऊपर मैंने एक पूरा एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 10 कैमरा सेटिंग्स समझाई हैं, उस वीडियो का लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो आज इस वीडियो को आपने पूरा देख ही लिया अब यहाँ तक, तो अब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जो मैंने पांचों वीडियो की एक लिंक दी है उन पांचों वीडियो को आज आप देखिए। एंड आई एम श्योर आज जिन लोगों ने देखा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए वो वीडियोस बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे, आपकी फोटोग्राफी डेफिनेटली आज के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी और आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।